कोरोना काल में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। मन की बात के 66वें संस्करण में चीन और भारत के बीच में चल रहे गतिरोध पर खुलकर बात की। कहा कि लद्दाख पर भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। दोस्ती निभानी और आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है देश। 20 सैनिकों ने दिखाया कि मां भारती पर कभी आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी, कहा कि ये सैनिकों की मदद होगी। इसके बाद दुनिया पर आए इस कोविड संकट पर भी पीएम मोदी ने सकारात्मक रहने की सलाह दी। कहा, लोग कह रहे हैं साल अच्छा नहीं, ये शुभ नहीं। लोग चाहते हैं ये साल जल्द बीत जाए। 6-7 महीने पहले कहां जानते थे कि ऐसा संकट आएगा। कोरोना के बीच अम्फान, निसर्ग, फिर टिड्डी दल और भूकंप, फिर पड़ोसी देशों की हरकतें, एक साथ इतना कुछ हो रहा है। मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आपदाओं की वजह से साल को खराब मानना ठीक है। ये सोच लेना कि पूरा साल ही ऐसा है, ठीक नहीं है। एक साल में एक चुनौती या 50 चुनौती, उससे साल खराब नहीं होता। तो कुल मिलाकर अपने कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने साल को खराब नहीं मानने की सलाह दी। साथ ही चीन और भारत के बीच में उठे विवाद पर सरकार के रुख को भी साफ कर दिया। अब पीएम मोदी से बात बात पर चीन के विवाद को लेकर सवाल करने वाले लोगों को उनका जवाब मिल गया होगा। हालांकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और बार बार पीएम मोदी को चीन पर अपना रुख साफ करने के लिए उकसाते रहेंगे।